मुझे पता है कि 6 से 7 दिन हो चुके हैं और वीडियो का नामो निशान नहीं दिखाई दिया चैनल पे। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि सर क्या हो गया, कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, बैंक निफ्टी की अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। भगवान की दुआ से अभी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। और वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे हो तो बहुत आपको अच्छे लोग मिलते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारे कमेंट मैं व्हाट्सअप पे भी देखने को मिले। तो चलिए बात करते हैं अब किस तरीके से मार्केट अब हमको आगे देखने को मिल सकता है। जो मैंने पहले बात किया था, जो मैंने पहले आपको अपडेट दिया था, जो मैंने पहले आपको बताया था, अभी तक बिल्कुल मार्केट वैसा ही चल रहा है। क्योंकि देखिए अभी तक, देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया था, आपको याद होगा कि वहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो मार्केट में देखिए बाइंग कर रहे थे कंटिन्यू, वो कौन लोग बाइंग कर रहे थे इस जगह, देखिए लगातार, देखिए DIS बाइंग कर रहे थे, ठीक है। DIS ने लगातार पैसा लगाया और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए लगातार आपके FIS बिकवाली कर रहे थे। लेकिन मैंने जब आपको बताया था तो वहाँ पर देखिए मैंने एक ही चीज़ आपको बोला था कि जो आपके DIS है मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर वो जब तक बाइंग कर रहे हैं, जब तक आप उनकी बाइंग स्टार्ट है, ठीक है, तो जब तक देखिए मार्केट में आपको सेलिंग नहीं देखने को लगी। वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि DIS बाइंग कर रहे हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन जब DIS आपकी सेलिंग करना चालू कर देंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट ही हमको एक चीज़ और पॉजिटिव देखने को मिला कि अभी तक जो आपके FIS थे वो FIS क्या कर रहे थे, FIS मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कब तक आप सेलिंग करोगे, कभी तो आओगे मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडिया का मार्केट बुलिश है और बुलिश मार्केट में हर किसी को पैसा बना रहा है। देखिए रोल ओवर जो पैसा बनता है, जो 80% पैसा बनता है पब्लिक का, या जो ज़्यादातर पैसा बनता है मार्केट के अंदर, वो हमेशा बाइंग के साइड बनता है, ठीक है। सिर्फ 20% ऐसे लोग होते हैं जो सेलिंग करना पसंद करते हैं या सेलिंग करके पैसा बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो होते हैं, पोर्टफोलियो कभी भी सेलिंग के साथ पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो बाइंग के साथ ही आपका एक अच्छी वेल्थ बना के देता है। तो जब जब मार्केट आपका ऊपर की साइड जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनका पोर्टफोलियो या जिनका कैपिटल आपका अपसाइड जाता है, ठीक है। तो उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 26 तारीख को भी आपकी देखिए खरीदारी पे, उसके बाद 27 तारीख को भी, 28 तारीख को जरूर इस जगह बिकवाली हुई थी, क्योंकि उसके पहले अगर आप देखो तो 27 तारीख को DIS ने भी यहाँ पर बिकवाली किया था। उसके बाद देखिए 29 तारीख को भी खरीदारी, और आपका देखिए 30 तारीख को भी खरीदारी, जो कि 5,318 करोड़ के समथिंग का था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो बिकवाली हुआ था वो जगह 3,190 करोड़ 200 करोड़ के आसपास की हमको यहाँ पे बिकवाली देखने वाली, यानी रोल ओवर अगर हम बात करते हैं एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी हमको क्या क्या चीज़ें इस जगह दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों को नोटिस कीजिए, सिर्फ आपको दो चीज़ों को नोटिस करना है। अगर आपने इसको नोटिस किया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें दो में तो आपके SL चले जाएंगे, लेकिन आपके जो 8 ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल बन के दिखाएंगे, क्योंकि कभी भी आपके 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। आपको SL लेना ही पड़ेगा, आपको SL मार्केट देगा और 101% देगा। अब यहाँ पर ट्रेंड की आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड को आप सबसे पहले समझिए। ये आपका लो लेवल था, लो लेवल से अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए लो कितने का था इसका, आपका ऑलमोस्ट एक जगह देखिए 49,800 का, ठीक है। और इसका जो हाई जोन है, हाई जोन को हम कैसे ट्रेंड कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर मैं करूँगा तो यहाँ से तो जो इस जगह आ रहा है तो इससे लेवल नहीं मैच हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो हाई जोन है उस हाई जोन से देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेवल टू लेवल आपके मैच हो गए। यहाँ पे देखिए ये मैच हुआ, इस जगह देखिए ये मैच हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखो ये मैच हो रहा है, ठीक है। नीचे अगर आप देखो तो लो जोन पे ये मैच हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए अगर आप ये मैच हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ये वाला मैच हो रहा है, और क्लोजिंग भी आपकी मैच हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें हमको समझ में आए, हमने डेटा देखा, चार्ट देखा। अब चार्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है। पहला पहला आपका क्या दिखाई दे रहा है कि पहला आपका मार्केट अपसाइड है, और दूसरी चीज़ आपको क्या समझ में आ रहा है, दूसरी चीज़ हमको समझ में आ रही है कि अपसाइड होने के साथ देखिए जी आपका थोड़ा रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड के बाद देखिए जी अगर नीचे आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देता ही है।
देखिए आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप देखने वाला, ये वाला अगर आप देखो तो गैप काफ़ी अच्छा खासा गैप था। गैप के बाद देखिए कुछ कंसोलिडेट किया, यहाँ पे देखिए सेलिंग दिया, और सेलिंग के बाद देखिए फिर अपसाइड गया, और फिर वहाँ से देखिए डाउन साइड आ गए। ठीक है, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले अगर आप 29 तारीख को देखोगे तो यहाँ पर देखिए डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद देखिए फिर इसने अपसाइड मूव दिया एक अच्छा खासा, फिर लास्ट में एक सेलिंग आ गई। ठीक है, उसके पहले भी देखिए 27 तारीख को क्या हुआ था, 27 तारीख को भी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए इस जगह ओपन हुआ, अपसाइड गया, डाउन साइड आके देखिए ट्रैपिंग किया, और फिर अपसाइड जाके लास्ट में सेलिंग आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे देखिए 26 तारीख को अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद फिर लास्ट में सेलिंग आ गई। इस जगह भी अगर आप देखो तो 22 तारीख को, 23 तारीख को, यानी हर पैटर्न में अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न में दो चीज़ें क्लियर आ रही है कि लास्ट में सेलिंग आ जाती है। ठीक है, पहली बात, शुरू में आपकी बाइंग आ जाती है, और जो बीच वाला जो लेवल है, जो आपका बीच वाला देखिए जो प्राइस है, या अगर मैं बात करूँ जो आपका देखिए 11 बजे से लेकर 2 बजे के या 1 बजे के समथिंग का जो ये 3-4 घंटे का जो समय है, या मैं बोलूँ 2-3 घंटे का जो समय है, इस समय में मार्केट कर क्या रहा है, इस समय में मार्केट ज़्यादातर रेंज बाउंड रहने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से हो क्या रहा है कि जो ऑप्शन सेलर है वो दबा के पैसा बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेलर दबा के पैसा बना रहा है। और शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कभी भी अगर आप देखोगे तो आपका जो मार्केट में पोर्टफोलियो है वो सिर्फ जो रिटेल ट्रेडर है या इन्वेस्टर है उनका पैसा 80% बनता है, क्योंकि उन्होंने शेयर बाइंग किया है, उन्होंने स्टॉक बाइंग किया, किसी ने म्यूचुअल फंड बाइंग किया, किसी ने ETF बाइंग किया, तो जब मार्केट आपका ऊपर जाएगा जब उनको पैसा मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं, सेलिंग काफ़ी कम लोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए ये अब आपका अपसाइड मूवमेंट है, लेकिन ये ऐसे क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अपन समझेंगे कि मंडे को कैसे करना है। ठीक है, पहले ये डे वाला आप कैंडल देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखिए नॉइज़ कितना ज़्यादा है, मतलब अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर नॉइज़ कितना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, ट्रेंड लाइन देखिए मैंने 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे बिग अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट इस तरीके से चलता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरीके की कैंडल जब बनती है कि उसके अंदर बिग कम है और बॉडी बड़ी है। देखिए यहाँ पे छोटा कैंडल बना है लेकिन बिग कम हो रहा है। ठीक है, और छोटा कैंडल बना देते हैं तो लेकिन बिग बड़ी है, और यहाँ पे बड़ा कैंडल भी अगर ये बन जाता है और बड़े कैंडल में देखिए बिग कम है तो भी चलता है। ठीक है, उसके छोटा कैंडल भी अगर बनता है और उसमें बिग कम है तो भी अच्छी बात है, उससे भी देखिए छोटा कैंडल बनता है गैप के साथ ओपन होगा या बिग छोटा है तो भी चलता है उसके। इस तरीके की जो कैंडल होती है ना, यहाँ पे देखिए मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन अब हुआ क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो एक तो रेंज आपकी छोटी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो देखिए ये आपका बॉडी है। ठीक है, और बॉडी होने के बाद ये आपके बिग हैं। ठीक है, इसके पहले भी अगर आप देखो ये बॉडी है, ये बिग है। ठीक है, उसके पहले अगर ये वाला तीसरे दिन वाला आप देखोगे, दूसरे दिन वाला, तो यहाँ पे भी देखिए इस टाइप का कैंडल बना है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो गैप से एक साथ ओपन होने के बाद ये बिग इतनी बड़ी बड़ी बननी है। तो इस तरीके से मार्केट में आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये मार्क आपको करके चलना है, क्योंकि इस तरीके के मार्केट में अगर आप बीच में एंटर कहीं पे लेते हो या बीच में आप कहीं पे देखिए इसके अंदर एंटर हो जाते हो, तो आपको जे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 99% आपका पहले तो SL जाएगा। ठीक है, और अगर आप SL नहीं लगाते हो, अगर आप SL लगा के काम नहीं करते हो, तो फिर अगर आपने 100 पे बाइंग किया, ठीक है, 100 पे अगर आपने बाइंग किया तो वो लास्ट में डिके कर करके वो आपका 50 पे आपका माल बिछवा देगा, और फिर एक लगातार एक ऐसा मूव भी दे सकता है कि 50 पे आपने माल बेचा फिर वो आपका 110 आ गया, फिर लोग 110 पे बाइंग करेंगे, फिर वो डिकेड कर करके फिर 50 ले आएगा। ऐसा आपके साथ अभी हो रहा होगा, और ये चीज़ें बहुत लोग नहीं समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट को देख नहीं रहा था, मैं मार्केट को देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा देखिए ट्रेड करने का अभी बहुत अच्छा वो नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट किया तो ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर आप देखो अपसाइड जा रहा है, तो इसको अपन देखते हैं देखिए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो वीकली चार्ट पे कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल नहीं दिखाई दे रही है। ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जो लोग बार बार सेलिंग करते, देखिए यहाँ पर अगर आप देखो वीकली चार्ट, अब देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक आपको डोजिस प्लस हैमर टाइप कैंडल बना,
फिर उसके बाद देखिए डोजे प्लस बड़ा हैमर बना। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छा कैंडल ये इस जगह फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन तीनों कैंडल अगर आप देखो तो अप साइड ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये आपका देखिए डाउन साइड जा रहा है, कैंडल छोटी छोटी है लेकिन अप साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अब जी आपका इस पोजीशन पे आ चुका है कि ये वाला जो रेड कैंडल था, अच्छा जी मैं वीकली के चार्ट पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए आपको देखने को बोलेगा मंडे 29 तारीख जुलाई, ठीक है, 2024। इसका जो आपको देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है 51,350 का, और इसका देखिए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कितना दिखा रहा है 51,350। यानी ये वाला जो कैंडल है और ये वाला जो कैंडल है इसका देखिए आपका क्लोजिंग था 51,350, और इसका क्या है यहाँ पे भी क्लोजिंग है 51,351, ठीक है। यानी अगर आप देखो तो बहुत लंबे समय बाद देखिए यहाँ पे ये आपका क्लोजिंग पे आता हुआ दिखाई दिया। अब ये समझिए कि अगर ये इसके हाई को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, तो हम इसके अंदर अपसाइड जा सकते हैं, ठीक है। उसको अपन अभी समझेंगे। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप मंथली चार्ट पे आ जाते हो तो मंथली चार्ट पे देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मंथली चार्ट पे आपको रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। लेकिन मंथली चार्ट पे आपको ये ही देखने को मिलेगा कि ये पूरा जो मंथ का कैंडल है, इस पूरे मंथ के कैंडल में ये कैंडल पहले शुरुआत में कैसा था, इस टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का कैंडल था जब इसमें सेलिंग आया था। फिर ये कैंडल किस टाइप का हुआ, फिर ये कैंडल बना इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे फिर इसमें सेलिंग थोड़ा एडजॉप हो गया। फिर ये कैंडल किस टाइप का बना होगा, फिर ये कैंडल बना होगा इस टाइप का, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बना होगा क्योंकि फिर बायर ने और इसके अंदर बाइंग किया होगा। फिर ये कैंडल बना होगा इस टाइप का जो कि अभी है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसकी बॉडी देखिए छोटी होती जा रही है, लेकिन नीचे से बाइंग होते जा रहा है इसलिए इसकी बॉडी छोटे होते जा रही है। देखिए नीचे अगर आप देखो तो शुरुआत में ये आपका इस जगह होगा। अब यहाँ पर क्या होगा अगर ये नेक्स्ट मंथ इसको इस तरीके से, यानी अब इसमें इस तरीके से बॉडी और यहाँ पे ऊपर की साइड निकाल देता है, तो फिर ये इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो लेवल है ना, इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा ये वाला जो प्राइस है, ठीक है। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पैटर्न क्लियर यहाँ पर भी देखने को मिला था, ये पैटर्न क्लियर यहाँ पर भी देखने को मिला था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये पहले सेलिंग वाला कैंडल था, इसका ब्रेकआउट हुआ अपसाइड निकला। यहाँ पे भी अगर आप देखो ये सेलिंग वाला कैंडल था, यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ और आपका मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। अब देखिए और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा आप इसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो इस तरीके का आपको बुक मिल जाएगा जो कि बिल्कुल हिंदी में है, आप इसको रीड कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हिंदी में देखिए ये बुक है, ठीक है। देखिए इसमें कई ऐसे पैटर्न हैं जो आपको समझ में आएंगे, मार्केट में कैसे काम होता है, डोजी क्या होता है, टॉप कैसे बनता है, ठीक है, हैमर कैंडल क्या होता है, रिवर्सल कब होता है, नीचे से अगर आप देखो तो नीचे से देखिए जो आपका पैटर्न बनता है डब्लू पैटर्न वो किस तरीके से बनता है, ठीक है, आपका गैप के साथ किस तरीके से लगाता है। देखिए जो कैंडल अभी अगर आप देखो तो जे वाला पैटर्न कहाँ पे बनता है वो दिखाई दे रहा है, इस जगह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका वीकली चार्ट पे देखिए लगाता जा रहा है ऊपर की साइड, देखिए यहाँ पे ये लगाता जा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके भी कई बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अब समझ लेते हैं कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको सबसे पहले 30 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए समझिए कि आपका ये अब किस रेंज में आ चुका है। यहाँ पे अपन एक बॉक्स टेक्निक लगाएंगे क्योंकि इसके हाई और लो तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमको तेज़ी कब देखने को मिलेगी, जब ये आपका 51,400 इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप देखो देखिए ये गैप के साथ ओपन हुआ, यानी आपके यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर थे उनके एसएल खा गए, फिर ऊपर फिर गया, कुछ बायर आए होंगे यहाँ पे बाइंग करने के लिए, लेकिन नीचे आके फिर सेलर खा गया, और इस टेरेल लाइन का इसका सपोर्ट तो चल ही रहा है, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 51,400 के ऊपर, तो फिर इसके अंदर जो हमको देखिए यहाँ पर टारगेट आप मान लीजिए या रेजिस्टेंस मान लीजिए अपसाइड के, जो कि आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा 51,500, फिर आपका 51,600,
फिर आपका 51,700, फिर आपका 51,800 और फिर आपका 51,900 और फिर आपका 51,950। क्योंकि ये 950 मैंने आपको इसलिए बोला है, ये फिर आपका रेजिस्टेंट का काम करेगा ऊपर की साइड, ठीक है। अगर इसमें देखिए, अगर आप देखो तो थोड़ा अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ जो कि आपको देखने को मिलेगा 15 मिनट का चार्ट, 1 आवर्स का चार्ट। अब 1 आवर्स के चार्ट में देखिए, यहाँ पे आप समझिए ये बॉक्स टेक्निक है। अगर ये देखिए आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाते जाते अगर ये इस टेरल लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, देखिए ये वाला जो टेरल लाइन है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है जब भी हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, इस चीज़ को याद रखना। और नीचे की साइड अगर ये 51,200 को ब्रेक करता है, जैसे कि आपका ये नीचे की साइड इस जगह कहीं पे ओपन हो गया, ठीक है, इस जगह कहीं ओपन हो गया, इसी जगह ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जगह ये कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे निकाल दिया है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर इस तरीके कंसोलिडेट किया इस प्राइस के आसपास, जो ये वाला जो प्राइस है, और फिर नीचे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी जो आपके बायर हैं, क्योंकि ऊपर तो अभी किसी तरीके के एसएल नहीं है, एसएल कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एसएल नीचे, क्योंकि अभी तक कुछ समय तक अगर आप देखो तो कुछ समय तक देखिए बायर ही आपके कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, क्योंकि सेलर के बार बार एसएल जा रहे हैं। अब जो नीचे की साइड अगर आप देखो, नीचे की साइड अगर जो ब्रेक करता है 51,200 को, तो फिर आप ये समझिए कि जो आपके नेक्स्ट वाला जो लेवल है, यहाँ तक जो आपका लेवल है यहाँ तक जा सकता है, जो कि आपका 51,100 लेगा पहले, फिर आपका 51,000 जो कि आपका साइकोलॉजी प्राइस है, साइकोलॉजी प्राइस के बाद देखिए आपका जो 50,800 और फिर आपका इस जगह 50,600, यहाँ तक आपका बिल्कुल निकल जाएगा। क्योंकि अब एसएल खाने देखिए, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, अभी लगाता गया, एक नया कैंडल बनेगा, तो अगर ये नया कैंडल बना के नीचे एसएल खाना जाना चाहता है तो ये पहले एसएल खाएगा। अब हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है, तो देखिए सपोर्ट अभी तक देखिए नीचे हमारा जो सपोर्ट निकल के आता है वो 50,600 का, ठीक है, और ऊपर जो अभी रेजिस्टेंट है हमारे लिए वो 50,400। अगर इसके ऊपर निकलेगा अपसाइड, इसके आसपास मिलता है तो इसके आसपास हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, तो देखिए गैप के साथ ओपन होने पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर लंबे समय का अगर आप चार्ट देखोगे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो जोन है, यहाँ पे लंबे समय का अगर आप मल्टी टाइम चार्ट देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, इस जगह कि इस लेवल पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेलर बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे इस जगह, ठीक है। अब ये सेलर वैसे तो निकल गए होंगे, लेकिन क्या होता है जैसे ही लंबे समय का देखिए मार्केट आपका ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो एक बार ये सेलर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश जरूर करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का ये पैटर्न बना सकता है। देखिए पहले सेलिंग आएगा, फिर ऊपर रिटेस्ट करेगा, फिर सेलिंग करके इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो रोल ओवर मार्केट बुलिश है, कोई ऐसा पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन अगर ये नीचे की साइड ओपन हो रहा है, जैसे कि आपका 51,200, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करने देना है, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है, कम से कम आप 15 मिनट इसको रिटेस्ट करने दीजिए, या कोई पैटर्न बनना है यहाँ पे देखिए 51,200 पे, या तो आपका एंड पैटर्न बन जाए, तो एंड पैटर्न में पहले सेलिंग आया, फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से इस तरीके से मूव करता है, या फिर आपका डब्लू पैटर्न बने, एम पैटर्न नहीं बनना चाहिए। एम पैटर्न में क्या होगा, जैसे कि आपका ये नीचे गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके ये इसको इस तरीके से ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर ये डब्लू पैटर्न बनाता है नीचे की साइड, जैसे कि आपका 51,200 पे, डब्लू पैटर्न में क्या होगा, मार्केट पहले नीचे आया, फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगा, मतलब जो जितना आपका ये सेलिंग दिया है ना, उसका थोड़ा सा ही रिटेस्ट करेगा, ठीक है, फिर आपका फिर नीचे आएगा, जो आपका सपोर्ट को सपोर्ट लेगा, फिर इस तरीके से तेज़ी से ऊपर की साइड निकाल देगा। यहाँ पे हुआ क्या कि पहले सेलर को बिठा ला, आओ भाई साहब, फिर सेलर के एसएल हिट किए, फिर से सेलर को बिठा ला, और फिर आपका तेज़ी से ऊपर की साइड निकाल दिए, क्योंकि रोल ओवर मार्केट बुलिश है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पूरा कोशिश किया आपको लॉजिक से समझाने का, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।